Hello friends, welcome to our YouTube channel Imp Expert. Imp Expert is the ocean of international business management. हमारा institute कोई भी business owner को अपना खुद का import या export business शुरू करना है तो training provide करता है. Through this video platform हम information provide करना चाहते हैं to the entrepreneurs जिनको कोई problem है related to international business. In this video we will going to talk about communication in international business. What is communication? Communication is nothing but to talk and to get the information. There are different modes of communication. Hum phone se baat karte hain, email se baat karte hain, social media platform se baat karte hain, bahut sare logo ke sath connect hote hain. But international business mein kaun sa mode of communication sabse zyada use hota hai? That is email, which is again professional email. Bahut hi achhi language mein likha hua email. तो आज की वीडियो में हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ईमेल को कैसे लिखना है, दैट इज डूज ऑफ ईमेल राइटिंग एंड डोंट्स ऑफ ईमेल राइटिंग. कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी ही है जब आप ईमेल लिखते हो कोई भी इंपोर्टर को, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को, और कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखना है जो कभी भी ना होवे. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट डूज ऑफ ईमेल. आप जब भी ईमेल लिखते हो किसी भी इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को, आपका ईमेल का सब्जेक्ट लाइन बहुत ही क्लियर होना चाहिए. सब्जेक्ट लाइन मतलब आपका ईमेल में आप क्या बात करना चाहते हो. आप आपकी कंपनी का इंट्रोडक्शन देना चाहते हो, आप आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की इंक्वायरी के बाद प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट देना चाहते हो. जो भी ईमेल का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लाइन शुड बी वेरी शॉर्ट एंड इट शुड बी इंफॉर्मेटिव. क्योंकि सब्जेक्ट लाइन से पता पड़ जाएगा कि ये ईमेल किसके बारे में है. Second dues of the email writing is the recipient address. Whenever you are writing your email to anybody first time, you can write hi, hello, or dear, sir or madam. ये बहुत ही formal way of writing an email है. आप अगर किसी को first time email लिख रहे हो जिसका नाम आपको पता है, उसका full name आपको पता है, so you should use Mr. or Miss with the surname of the recipient, जो बहुत ही important है. Slowly, gradually अगर वो बंदे के साथ आप 5-6 बार email के through communication कर रहे हो, you might have met that person, उसको personally मिले हुए, उससे phone पे बात की हुई है, then you can shift from the Mr. or Miss to the first name, dear Mr. Mark or dear Mr. Cubin. जो भी name है वो आप later on switch कर सकते हो, but initially हमें formal way में उनके साथ communication करना है. So ये हो गया dues related to the recipient address. Next dues is the recipient का ईमेल की शुरुआत कैसे करनी है. हमेशा एक प्लेजेंट्रीज के साथ ईमेल की शुरुआत करो. यू कैन से ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडिया. यू कैन ऑल्सो टॉक विद देम सम इनफॉर्मल कन्वर्जेशन लाइक करंट हैपनिंग्स. जब हमें पता है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो यू कैन ऑल्सो टॉक टू देम रिलेटेड टू दी वॉट इज हैपनिंग इन वर्ल्ड कप, रिलेटेड टू देयर कंट्री. जो कंट्री के इम्पोर्टर के साथ आप बात कर रहे हो उसकी कंट्री की टीम के बारे में बात कर सकते हो, वेदर सिचुएशन अबाउट दैट कंट्री. इनफॉर्मल टॉक इज ऑल्सो ऑलवेज जब आप वो बंदे के साथ 2-3-4 बार ऑलरेडी बात कर चुके हो. अगेन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री. इंडिया में अभी लेटेस्ट इलेक्शन ख़त्म हुआ एंड इट इज अवेयर, द अवेयरनेस अबाउट इंडियन इलेक्शन इज एवरीवेयर. हर एक वर्ल्ड के कंट्री में इंडियन इलेक्शन के बारे में बातें हो रही थी. सो यू मे ऑल्सो टॉक अबाउट द इलेक्शन ऑफ इंडिया. अगेन जो कंट्री में आप बात करें वो कंट्री में इलेक्शन आने वाले, उसके बारे में न्यूज़ रीड की हुए, दैट ऑल्सो यू कैन राइट इन एन ई मेल. सो दिस आर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डूज. जब आप ई मेल लिखते हो तो रिसिपियंट को कैसे एड्रेस करना है, कैसे ई मेल लिखना है, और ई मेल के डूज के बारे में हमने बात की. नाउ वी विल टॉक अबाउट डोंट्स ऑफ ई मेल राइटिंग. हमेशा ध्यान रखो जो भी आप ई मेल लिख रहे हो उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना होवे. स्पेलिंग मिस्टेक ना होवे उसके लिए ऑटो स्पेलिंग करेक्शन का ऑप्शन है. अगेन यू कैन यूज़ सम सॉफ्टवेयर जो आपको स्पेलिंग की गलती
व्यक्ति बता सकता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम सबको पता है योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन, सो जस्ट मेक श्योर यू यूज़ ऑल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो आपको बताए कि आपने कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक की है और कहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक की है। डोंट यूज़ वर्ड्स लाइक रिस्पेक्टेड सर और योर्स फेथफुली, yours thankfully, ये सब ओल्ड स्कूल की बातें हो गई। अब बहुत ही सिंपल और फॉर्मल वे में ईमेल लिखा जाता है। डोंट यूज़ ऑल दिस वर्ड्स जो पहले यूज़ किए जाते। फॉर्मल ईमेल लिखो जिसमें आप डियर सर लिखो या डियर मैडम लिखो और थैंकफुली, रिगार्ड्स, ऐसे ईमेल का स्टार्टिंग और ईमेल का एंडिंग बहुत शॉर्ट और स्वीट वे में करो। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट डू रॉन्ग कमिटमेंट टू योर इम्पोर्टर। बहुत सारी बार एक्सपोर्टर ऑर्डर को जल्दी लेना है उसकी वजह से रॉन्ग कमिटमेंट कर दे रिलेटेड टू डिलीवरी शेड्यूल। जो भी डिलीवरी होगा आपका गुड्स का, वो शेड्यूल आप पहले समझ लो। अगर आपने रॉन्ग डिलीवरी शेड्यूल दिया हुआ है इम्पोर्टर को और आपका गुड्स लेट पहुंचता है तो उस सिचुएशन में आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन रॉन्ग पास हो रही है। सो जब भी आप इम्पोर्टर को डिलीवरी का शेड्यूल देते हो, जस्ट मेक श्योर दैट यू विल फुलफिल दोस शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्टर। डोंट डू ओवर कम्युनिकेशन। ईमेल के सब्जेक्ट बॉडी में बहुत सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग लॉन्ग स्टोरी इन योर ईमेल। अगर आपको ईमेल भेजना है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, एक प्रेजेंटेशन बना दो, PPT अटैच कर दो अलॉन्ग विथ योर ईमेल, सो दैट वो अटैचमेंट के साथ चला जाएगा। अगर आपको प्राइस लिस्ट देनी है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, मान लो आपके पास 25 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है, उसका प्राइस शीट का एक एक्सेल शीट बनाओ, वो ईमेल के साथ अटैच कर दो। ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ईमेल में कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू डिलीवरी, रिलेटेड टू इनकोटम्स, रिलेटेड टू पेमेंट टर्म्स, उसके छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट बना दो। अगर आपके प्रोडक्ट की वेराइटीज है तो आप टेबल्स यूज करो। आपका ईमेल बहुत ही प्रेजेंटेबल होना चाहिए, सामने वाले बंदे को वो रीड करने का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप ईमेल लिखते हो अटैचमेंट भी छोटे रखो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अटैचमेंट में प्रोडक्ट के पिक्चर्स ही इतने हैवी हो गए, वो PPT की फाइल बहुत हैवी हो गई तो सामने वाले बंदे के आउटलुक में वो डाउनलोड ही नहीं हो रही है। सो मेक वेरी स्मॉल ईमेल, अटैचमेंट भी स्मॉल रखो, सो दैट इफ द पर्सन हु विल रिसीव योर ईमेल, उसके लिए वो रिसीव करना ईजी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, देर इज़ नो need of any hesitation if you cannot do anything. अगर आपका importer आपको ऐसा बोल रहा है कि मुझे ये type का packaging material चाहिए, मुझे ये type की product की quality चाहिए, if you have a capacity to do the production और वो packaging की जो उसने demand की हुई है वो capacity है तो ही आप हाँ बोलो। अगर आपकी capability के बाहर की वो चीज़ है, वो packaging material आप arrange नहीं कर पा रहे हो, there might be possibility जो packaging material उसने demand किया हुआ वो आपको import करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो straight forward आप मना बोल दो कि हम ये नहीं कर सकते, but wrong commitment के साथ email का communication मत करो। Next point is, whenever you are writing an email, your email should be humble. Your email should be polite. Email में आप कोई भी harsh language मत use करो. Even though you are writing an email related to any complaint or query or any problem you are facing, there is no need of writing any such language जो सामने वाले बंदे को खराब फील हो सकते। हाँ, आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, आपको अगर गुस्सा है रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम जो इम्पोर्ट करने के बाद या एक्सपोर्ट करने के बाद आपने फेस किया है तो आप फ़ोन पे बात करो, बट आपके ईमेल में आप कभी भी ऐसे लैंग्वेज मत यूज़ करना। डोंट यूज़ एनी वर्ड्स जो सामने वाली पार्टी को खराब फील होए। सो हियर वी आर एंडिंग अवर ईमेल कम्युनिकेशन का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया आपको ईमेल लिखते टाइम कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स आपकी ईमेल लिखते टाइम नहीं ही होने चाहिए। ईमेल के अलावा आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हो। व्हाट्सएप इज़ क्वाइट कन्वीनियंट, बट देर आर सम कंट्रीज़ जहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ नहीं होता, तो ईमेल वहाँ पे बहुत बेस्ट वे रहेगा। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। सो दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट 70% ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस सिर्फ ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। सो आई थैंक यू ऑल ऑफ यू।
please share this video among your groups, circle, colleagues, friends, जिनको communication के बारे में problem है. Domestic में भी अगर आप business करते हो तो यही standard formula आप use कर सकते हो जो हमने ये video में आपको बताया. Thank you.